मैं आपका साथी जसवंत कुमार चौहान आज के इस वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री के टाइट्रेशन की बात कर रहा हूँ। टाइट्रेशन इज द प्रोसेस इन विच वी आर फाइंडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग नॉन मोलरिटी। मतलब किसी एक ऐसे सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी मुझे पता है, उस सॉल्यूशन के हेल्प लेकर के मैं दूसरे सॉल्यूशन की मॉलरिटी निकालता हूँ तो उसको टाइट्रेशन बोलते हैं। एंड द सेम टाइट्रेशन इज इन क्लास 11 एंड सी इट इज देयर डिटरमाइन द मॉलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन NaOH सॉल्यूशन। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन दिया रहेगा लेकिन उसकी मॉलरिटी आपको पता नहीं है, यू हैव टू फाइंड दैट मॉलरिटी। बट फॉर दैट यू आर प्रोवाइडेड विद MYTN ऑक्सैलिक एसिड। एक ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन आपको बना हुआ मिलेगा जिसकी मॉलरिटी 1/10 है। इस सॉल्यूशन का यूज करके NaOH की मॉलरिटी को निकालें। कैसे निकालेंगे? तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन। अब रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ऑक्सैलिक एसिड इज एन एसिड। When it reacts with sodium hydroxide, this will be forming sodium oxalate along with the formation of water. See dear friends, 1 mole of oxalic acid is reacting with 2 moles of NaOH. अगर इन दोनों की chemical equation को मैं use करूँ, तो calculation for the molarity of NaOH will be molarity of NaOH multiplied with volume of NaOH divided by 2, क्योंकि इसका 2 मोल यूज हो रहा है, will be equals to molarity of oxalic acid volume of oxalic acid divided by 1. तो इस फॉर्मूले में we need volume of NaOH, molarity of oxalic acid, volume of oxalic acid. If we are knowing these 3 parameters, we can find the molarity of NaOH. See dear friends, so how we are getting the molarity of NaOH, let us do one titration. उस titration को करने में we need some instruments. एक particular volume हम लेंगे oxalic acid का और उस oxalic acid को neutralize करने के लिए कितना NaOH लगेगा, we have to find only that amount. We have to find only that volume. And if we are getting that volume, we can calculate the molarity of NaOH. So dear friends, come for the process of titration. We will do titration. For this titration, we need to have some of the instruments. This is burette. This instrument is called burette. इस burette में 10 से लेकर के 50 milliliter volume को हम ले सकते हैं. It is having knob here, by which we can make the solution to drop by drop here. इस ब्यूरेट में हम जिस सॉल्यूशन की मॉलरिटी निकालना होती है उसको लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं फिल करता हूँ और फिल करके एक ब्यूरेट स्टैंड होता है, उस ब्यूरेट स्टैंड में मैं लगा देता हूँ। सो दिस ब्यूरेट इज पुट देयर इन द ब्यूरेट स्टैंड। दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज पीपेट। इस पीपेट में अभी आप यहां पे देखोगे देयर इज 25 मिलीलीटर इज गिवन। 25 मिलीलीटर मींस इस पीपेट को अगर यहां कट मार्क तक आप फिल करते हो, देयर इज ए कट मार्क हियर, अगर इस कट मार्क तक आप इसको फिल करते हैं, देन दिस पीपेट विल बी 25 मिलीलीटर। दिस पीपेट्स आर गिवन इन डिफरेंट वेरिएंट। For an example, some pipettes are having a 20 milliliter volume, some are having 10 milliliter. So we can use the pipette which is available to us. So I am taking this 25 milliliter pipette here. जो solution मुझे oxalic acid का दिया हुआ है, उस oxalic acid के solution को मैंने beaker में लिया और यहाँ से मैंने 25 milliliter oxalic acid को suck किया. See dear friend. I am taking this oxalic acid up to the cut mark given here. Okay.
ड्रॉप बाय ड्रॉप करके गिराते जाएंगे और जहां कट मार्क आ जाएगा इस कट मार्क तक अगर इसको फिल कर देंगे इट विल बी 25 मिलीलीटर. सो आफ्टर पिपेटिंग आउट 25 मिलीलीटर आई एम टेकिंग दिस ऑक्सैलिक एसिड इन द कॉनिकल फ्लास्क. सी डियर फ्रेंड्स, ये जो टाइट्रेशन है ये एसिड बेस टाइट्रेशन है. दिस टाइट्रेशन इज एसिड बेस टाइट्रेशन बिकॉज आई एम टेकिंग एसिड हियर एंड बेस हियर. लेकिन अगर आप इन दोनों के कलर को देखें, इफ यू सी द कलर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड NaOH, बोथ आर कलरलेस डियर फ्रेंड्स. सो आई एम रिमूविंग द लास्ट ड्रॉपलेट बाय प्रेसिंग फ्रॉम हियर. ये यहां पे देखिए, बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर द लास्ट ड्रॉप ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज ड्रॉप्ड इन द कॉनिकल फ्लास्क. अब यहां पे देखिए, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दिस 25 मिलीलीटर ऑक्सैलिक एसिड I want to calculate the volume of NaOH from the burette. Lekin see dear friends, this is colorless and NaOH is also colorless. Kab utilize ho jayega humko pata nahi chalega. So if we want to get the end point, we need some indicator. Aur acid base titration mein yahan indicator mein use kar raha hoon, this is phenolphthalein indicator. इस फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को आई एम एडिंग इन ऑक्सैलिक एसिड. सी 8 to 10 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन आई हैव एडेड. व्हाट इज द कलर ऑफ दिस ऑक्सैलिक एसिड? इट इज कलरलेस, इट इज व्हाइट. लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन हमारा बेसिक हो जाएगा तो ये फिनोफ्थलीन बेसिक मीडियम में पिंक कलर शो कर देता है. अगर ये पिंक हो जाएगा बाय द एडिशन ऑफ NaOH, it means our titration is completed. And after getting that reading, we can calculate the amount of NaOH and we can calculate the molarity of NaOH. So, dear friends, let us start our titration. In this conical flask, I am having 25 milliliter oxalic acid and 8 to 10 drops of phenolphthalein indicated. Now, see here, NaOH is filled in the given burette और यहां इसकी रीडिंग जीरो है. दिस इज हैविंग जीरो रीडिंग. सी हियर इट इज जीरो रीडिंग. अब मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप इस NaOH को इस ऑक्सैलिक एसिड में एड कर रहा हूं. सी डियर फ्रेंड्स, आई एम एडिंग NaOH सॉल्यूशन हियर. जैसे ही मैं NaOH सॉल्यूशन को एड करता हूं, व्हाट हैपेंस? फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इज देयर, द सॉल्यूशन विल बिकम पिंक. But when I shake the solution, it will disappear. हमको NaOH add करना है. कब तक add करना है? Until we get a permanent pink color. See dear friends, I am adding NaOH continuously. NaOH मैं add कर रहा हूँ. कब तक मुझे add करना है? Until we get the permanent pink color. सी डियर फ्रेंड्स, अभी पिंक कलर आना स्टार्ट हुआ है. सी पिंक कलर इज देयर, बट इफ आई एम शेकिंग इट द पिंक कलर गेटिंग डिसअपीयर. हमको एड करना है, कंटिन्यूसली एड करना है अंटिल द परमानेंट पिंक कलर इज ऑब्जर्व. सी डियर फ्रेंड्स, आई एम एडिंग NaOH कंटिन्यूसली. Drop by drop, I am adding here. Okay, see dear friends, we have obtained permanent pink color here.
परमानेंट पिंक कलर आ गया है, इसका मतलब सॉल्यूशन नाउ बिकम बेसिक. व्हाई? बिकॉज होल ऑफ द 25 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज नाउ न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस NaOH. सो 25 मिलीलीटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना NaOH लगा है? सी डियर फ्रेंड्स, यहां अगर आप देखेंगे NaOH की रीडिंग, सो रीडिंग इज 47.2. रीडिंग इज 47.2. सो आई एम टेकिंग दिस रीडिंग इन अवर ऑब्जर्वेशन टेबल. सी डियर फ्रेंड्स, इन दिस ऑब्जर्वेशन टेबल आई हैव प्रिपेयर्ड हियर टाइट्रेशन वन, सीरियल नंबर वन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आई हैव टेकन? 25 मिलीलीटर फ्रॉम द पीपेट इन द कॉनिकल फ्लास्क. इनिशियल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट आई हैव टेकन, दैट वाज 0 मिलीलीटर. एंड फाइनल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट जिसमें मैंने NaOH लिया था, दैट वाज ऑब्जर्व 47.2 मिलीलीटर. मीन्स 0 से मैंने स्टार्ट किया और 47.2 मिलीलीटर रीडिंग आ गई. इसका मतलब कितना NaOH यूज हुआ है? तो सी डियर फ्रेंड, डिफरेंस ऑफ दिस टू विल बी 47.2 मिलीलीटर. इट मीन्स इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज 25 मिलीलीटर ऑक्सैलिक एसिड वी नीड 47.2 मिलीलीटर ऑफ NaOH. और अब अगर ये वॉल्यूम मुझे मिल गया है तो आई कैन कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH. सी, सो ऑब्जर्वेशन टेबल की मैं बात करूं, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 25 मिलीलीटर, मोलरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 1/10, दिस इज गिवन इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन. इन वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना आ गया है डियर फ्रेंड्स? इट इज 47.2 मिलीलीटर. एंड मोलरिटी ऑफ NaOH, दिस इज आई हैव टू फाइंड आउट. सो 1, 2, 3 ये तीन वैल्यू मेरे पास में आ गई है. सो वी कैन कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ NaOH हियर बाय यूजिंग दिस रिलेशन. सी डियर फ्रेंड्स, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी of NaOH, we are having this formula, molarity of NaOH into volume of NaOH by 2 is equal to molarity of oxalic acid into volume of oxalic acid by 1. So I am putting all the values here. Molarity of NaOH, I have to find it out. Volume of NaOH comes as 47.2 milliliter divided by 2. Molarity of oxalic acid, this was given in the aim, it is 1/10. जिस solution की molarity मुझे पता थी वो मैंने यहाँ पे रखा, this is mole per liter. Volume of oxalic acid 25 milliliter. So dear friends, if we do, molarity of NaOH is equal to 2 into 1/10 into 25 divided by 47.2. अब मैं मोलरिटी निकाल रहा हूं डियर फ्रेंड्स, तो इसकी यूनिट क्या आएगी? दिस विल बी मोल पर लीटर. क्लियर डियर फ्रेंड्स? इफ वी डू द कैलकुलेशन, द मोलरिटी ऑफ NaOH कैन बी कैलकुलेटेड, द यूनिट विल बी मोल पर लीटर. सी डियर फ्रेंड्स, इफ वी डू द कैलकुलेशन, दिस इज 2 1s are 2 5s are, this is 5 1s are, this is 5 5s are. We are having the molarity 5/47.2. और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो molarity can be calculated in decimals. Okay? Thank you. Okay, dear friends. So the molarity of NaOH comes as 5/47.2 mole per liter, and if we do the calculation, that will comes as, this is 0.105 mole per liter. Means जो NaOH हमें दिया है उस सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी इतनी है. And if we are finding the strength of NaOH, तो डियर फ्रेंड्स स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है, दिस इज मोलरिटी इनटू मोलर मास, और मोलरिटी
इफ वी हैव कैलकुलेटेड हियर इट इज 0.105 मोल पर लीटर एंड मोलर मास ऑफ NaOH डियर फ्रेंड्स इट इज 40 ग्राम्स पर मोल. इफ वी डू द कैलकुलेशन वंस अगेन इट इज 4.2 ग्राम पर लीटर. ये स्ट्रेंथ ऑफ NaOH इज 4.2 ग्राम पर लीटर. इसका मीनिंग क्या है डियर फ्रेंड्स कि 1 लीटर NaOH का सॉल्यूशन बनाने में 4.2 ग्राम NaOH वाज डिसॉल्वड. इस टाइट्रेशन को करने में क्योंकि मुझे NaOH दिया था विच मोलरिटी वाज नॉट नोन टू मी, उसका कंसंट्रेशन मुझे पता नहीं था, बट बाय यूजिंग द ऑक्सलिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ नॉन मोलरिटी आई हैव कैलकुलेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ NaOH विच इज 4.2 ग्राम पर लीटर. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द मोलरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर विच मोलरिटी इज नोन टू अस. किसी ऐसे सॉल्यूशन की हेल्प लेकर के जिसकी मोलरिटी हमको पता हो उसकी हेल्प लेकर के हम एक ऐसे सॉल्यूशन की मोलरिटी या स्ट्रेंथ निकालते हैं जिसकी मोलरिटी हमको पता नहीं होती और इसी प्रोसेस को वी आर सेइंग टाइट्रेशन. सो डियर स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.